सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब ये सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, तो इसके बारे में आपने क्लास सेवेंथ में ही पढ़ा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करता है। अब ये क्लीन कैसे करता है, तो जैसे आप देखोगे कि आपके घर में मान लीजिए खाना पका और जो एक्स्ट्रा खाना पक गया, जो आपने नहीं खाया उसको फेंक दिया आपने बाहर में, तो वो खाना क्या होता है, धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो ये जो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो कोई डिकम्पोजर क्या करता है, उसको डिकम्पोज कर जाता है। तो इस तरह से जो जीव अपना भोजन लेते हैं, मतलब कोई जीव पदार्थ सड़ गल रहा है वहां से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो अब इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो देखो डिफिनेशन कि इन सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म सेक्रेट्स द डाइजेस्टिव जूस ऑन द फूड। अब मैंने जो बताया कि वह जो फूड पार्टिकल आपने घर में जो बच गया था, एक्स्ट्रा हो गया था, आपने फेंक दिया उसको, उसके ऊपर क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन करता है। जैसे हम लोग भोजन खाते हैं तो हमारे स्टमक में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन होता है और वहां पे पाचन की प्रक्रिया होती है। लेकिन ये जीव बहुत माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो खा नहीं सकते हैं, वो क्या करते हैं, तो उसके ऊपर ही क्या करते हैं, भोजन जो बचा हुआ है उस भोजन के ऊपर में डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं और उसको क्या करते हैं, सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब आपने ये जो फूड पिल्स मान लीजिए फेंक दिया था, इस फूड पिल्स के ऊपर में क्या करेगा, ये जो सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया है उसके ऊपर अपना डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करेंगे। जैसे वो डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करेंगे, ये फूड पिल्स क्या हो जाएगा, सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एक सोल्यूशन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर क्या करेगा, उसे वो अपना भोजन ग्रहण कर लेगा। तो इस तरह से जो जीव अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है, और इस तरह के जीव को हम सैप्रोफाइट्स भी कहते हैं और डिकम्पोजर भी कहते हैं। तो देखो कह रहा है कि द फूड इज डाइजेस्टेड व्हाइल इट इज स्टिल टू बी इंगेस्टेड। द फूड इज डाइजेस्टेड व्हाइल इट इज स्टिल टू बी इंगेस्टेड, जैसे वह इसको इंगेस्ट करता, ग्रहण करता, वैसे भोजन आपको डाइजेस्टिव होने लगता, मतलब डाइजेस्टिव जो सेक्रेशन हुआ और वह इंगेस्ट भी कर रहा है, मतलब वो घुल गया आपको। द डाइजेस्टेड फूड इज देन इनगेस्टेड बाय द ऑर्गेनिज्म। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है, मतलब डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन किया, तो वो भोजन क्या होगा, सोल्यूबल फॉर्म में टूट गया, मतलब वो डाइजेस्ट हो गया, फिर क्या करेगा, उसको वो इंगेस्ट कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। इंगेशन दो प्रोसेस होता है, एक होता है इंगेशन मतलब ग्रहण करना, और एक होता है इगेशन मतलब शरीर से बाहर निकलना। तो वह क्या किया, इसको इंगेस्ट कर लिया। इसके अंतर्गत क्या कह रहा है, ऑल द डिकम्पोजर्स फॉलो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जितने भी डिकम्पोजर है, जैसे आप देख रहे होगे इस तरह के डिकम्पोजर आप लोगों को नजर आए, जिसको फंगी आप देख रहे हो, आप देखोगे आम के पेड़ पे भी लग जाते हैं इस तरह के, जिसको कान कहते हैं, कान की तरह शेप में भी दिख रहा है आपको, ये देख रहे होंगे, ये सब के सब क्या डिकम्पोजर है, सैप्रोफाइट्स है। अब ये करते क्या है, तो जिस पेड़ के डाली पे लगा हुआ उसके ऊपर क्या करेगा, यह तो डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन करेगा और फिर क्या करेगा, वहां से अपना वो न्यूट्रिशन ग्रहण करेगा और इस तरह से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस कारण से इसको डिकम्पोजर कहते हैं, सैप्रोफाइट्स कहते हैं, और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। अब यह हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने काम करता है, कि जितने जगह ने वेस्ट मटेरियल जनरेट कर दिया है, चाहे आपका मान लीजिए सॉलिड वेस्ट हो, इस तरह से लकड़ी हो, या खाना ही फेंक दिया आपने, या केला का छिलका फेंक दिया, जो भी फेंक दिया आपने, या कोई जीव ही मर गया, कुत्ता मर गया, जानवर मर गया। चार दिन बने कल ही मैंने एक यूट्यूब पे देखा हुआ था वीडियो कि बक्सर में वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे इंसान जो कोरोना के कारण से मर गए तो उसको गंगा किनारे ऐसे ही दफना दिए गए, तो वहाँ पे कुत्ता नोच नोच खड़ा था। तो मान ली कोई इंसान का ही बॉडी हो, बहुत पड़ा रहेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे डिकम्पोज होगा आपको। तो जैसे डिकम्पोज होगा तो इस पर डिकम्पोजर सैप्रोफाइट्स क्या करेंगे, डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन करेंगे और उसको वो इंगेस्ट कर लेंगे। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज़ सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड द ऑर्गेनिज्म व्हिच टेक न्यूट्रिशन बाय सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज नोन एज़ सैप्रोफाइट्स डिकम्पोजर या इन्वायरमेंट
क्लीनर के नाम से भी जाना जाता है सबको। चलिए तो आपने ये सारे चीज जाने आपको। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे सम इंसेक्ट्स जैसे हाउस फ्लाइज है, जो मच्छर देख रहे होगे, मक्खी देख रहे हो घरों में आप, वो भी यही काम करता है। आल्सो फॉलो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो भी क्या करते हैं आपको, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही करते हैं, आपके भोजन पर बैठ गया, डाइजेस्टिव सेक्रेशन करते हैं और फिर उसको इंगेस्ट कर लेते हैं। आपके चावल बैठ गया तो वो चावल ही खाएगा, वो उसके ऊपर वो डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन करेगा और फिर वो क्या करेगा तो उसे वो सक कर लेगा अपने लिए न्यूट्रिशन उसमें से। तो इस तरह के मोड को हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब दूसरा बच्चों है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब ये होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे देखो ये जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन था इसमें क्या होता, ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के बाहर में क्या करता है, भोजन को डाइजेस्ट करता है, क्या करता है बॉडी के बाहर, मान लीजिए बाहर में जो फूड पिल्स पड़ा हुआ था उस फूड पिल्स के ऊपर क्या किया उन्होंने, डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन किया और फिर उसको इंगेस्ट कर लिया। जबकि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है इसमें क्या करता है, वह जो भोजन ग्रहण करता है, जैसे हम लोग हो गए, हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, मतलब हमने चावल खाया, सब्जी खाया या रोटी खाया, कुछ भी खाया, जैसे हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक में जाने के बाद क्या होता है, वहां पर डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन होता है और फिर वहां पर पाचन की प्रक्रिया पूरी होती है। फिर वह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, वहां पर भी जो कुछ बचा हुआ रहता है वो पाचन होता है, मॉलिक्यूल का डिकम्पोजिशन होता है और वहां से क्या होगा एब्जॉर्प्शन के थ्रू क्या होगा, जो ब्लड कैपिलरीज वहां पे होते हैं एल्वोली में, वह क्या करता है सॉरी भिली में, वहां भिली होते हैं, भिली से क्या करते हैं उसको एब्जॉर्ब करके शरीर में एसिमिलेट कर देते हैं। तो ये जो मोड न्यूट्रिशन का हो गया उसे हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब देखो डिफिनेशन में क्या है कि इन होलोजोइक न्यूट्रिशन द डाइजेशन हैपेंस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कहां पे होता है, उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ह्यूमन बॉडी का बताया था, जितने भी जानवर कुत्ता हो गए बिल्ली हो गए उसके शरीर में भी ऐसे ही होता है कि वो पहले खाता है और उसके स्टमक में जाकर के डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर डाइजेशन होता है और फिर उसको न्यूट्रिशन मिलता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज आफ्टर फूड इज इंगेस्टेड, भोजन आपने ग्रहण किया उसके बाद क्या होगा वो डाइजेशन होगा। कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स फॉलो द दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अधिकांश जितने भी जानवर है वो सारे के सारे आपको कौन से मोड का फॉलो करते हैं, आपको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। मतलब इसमें पहले वो भोजन ग्रहण करते हैं और फिर उसके स्टमक में जाने के बाद क्या होता है उसका डाइजेशन होता है। अब ये पैरासाइट क्या होता है, अब चलो इसको देखते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैरासाइट। अब देखो हमने पिछले क्लास में बात किया था कि एक होता है सेप्रोफाइटिक, थोड़ा सा मैं सबको कोरिलेट करके समझाता हूं, सेप्रोफाइटिक, और एक मैंने बताया था होलोजोइक, होलोजोइक ये हमने दो बताया था। सेप्रोफाइटिक में भी सेम बात ही होता है कि इसमें क्या होता है कि जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर में क्या करता है कि यह अपना डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करता है और उससे वो न्यूट्रिशन लेता है। और होलोजोइक में क्या होता है कि इसमें ये जो डाइजेस्टिव जूस सेक्रेशन का काम होगा यह हमारे शरीर के अंदर में होगा, यह क्या होता है शरीर के बाहर होता है, ये एक्सटर्नल होता है कि बाहर में मान लीजिए कहीं पर गोबर का सीट पड़ा हुआ है उसके ऊपर क्या हुआ आपको कोई ऑर्गेनिज्म डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन किया और वहां से जो अपने लिए ऑर्गेनिक मटेरियल है वह एब्जॉर्ब कर लिया। जबकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल खाते हैं और पेट में क्या होता है डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन होता है और वहां से हम लोगों को एनर्जी मिलता है। तो यह हो गया होलोजोइक और एक होता है सेप्रोफाइटिक। इस दोनों स्थिति में क्या करना पड़ता है कि आपको उस प्लांट अगर कोई खाता है या कोई एनिमल खाता है उसको क्या करना पड़ता है, मारना पड़ता है, किल करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई मुर्गा खाता है, मुर्गा को मारने बिना वो खा सकता है, वो नहीं खा सकता है। या मान लीजिए ये डेड है, डिकेइंग ऑर्गेनिज्म तो मरा हुआ ऑलरेडी है या सर डिकम्पोज हो रहा है, तो
तो उसके ऊपर खाते हैं। जबकि ये जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, इस पैरासाइटिक में क्या होता है कि वो उसको मारता नहीं है, बस उसके शरीर से अपने लिए जरूरी का सामान ले लेते रहता है। जैसे देखो किसी बच्चे के सर में जू होगा, वो जू क्या करता है कि आपके शरीर से माथा से खून चूसते रहता है, आपको मारता नहीं, वह इस तरह से खून चूसते रहता है, वो अपना पेट भर लेता है आपको। इसी तरह से हम लोग के शरीर में कुछ चाली होते हैं, वह भी क्या करता, हमारे शरीर से ब्लड लेते रहते, भोजन पानी लेते रहते हैं, हमको मारते नहीं। तो इस तरह के जो जीव होते हैं उसे हम पैरासाइट कहते हैं, और उसका जो भोजन ग्रहण न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका है उस तरीका को हम लोग क्या कहते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। द अदर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच दे डिराइव न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, और जिसके शरीर से वह भोजन प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिशन ग्रहण करते हैं, उस जीव को हम लोग क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। जैसे देखो कोई ये इंसान है और इसके इंसान के शरीर में क्या हुआ है, आपको इसके शरीर में जू, यहाँ पे स्टोमक मान लीजिए, यहाँ पर आपको वर्म पाया जाता है, चाली पाया जाता है, वो चाली क्या हो जाएगा, पैरासाइट होगा, और यह इंसान क्या कहलाएगा, होस्ट कहलाएगा, क्योंकि वह चाली इसके शरीर से भोजन पानी प्राप्त कर रहा है। तो जिसके शरीर से भोजन पानी प्राप्त करे वह कहलाएगा होस्ट, और जो करे वह कहलाएगा पैरासाइट। बहुत सिंपल ये भी है। अब जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया फंगी हो गया, बैक्टीरिया जो कुछ है। इसके अलावा देखोगे ये कसकटा है, अमराबेल है। अब देखोगे कि कुछ पेड़ पौधे होते हैं, उसके पेड़ पौधे के पत्ते पर देखोगे आपको तो इस तरह से पीला पीला रंग का देखोगे, है ना, पतला सा धागे जैसी संरचना आपको आ जाता है, ये कसकटा है, जिसको अमराबेल हिंदी में कहते हैं। यह क्या करते हैं, अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते क्योंकि यह गिर नहीं है, तो इसको भोजन पानी की जरूरत होगा, तो यह क्या करता है, दूसरे पेड़ पौधे, जिस पेड़ पौधे उससे वो भोजन पानी ले लेते रहते हैं। तो यह एक क्या हो गया, पैरासाइट हो गया। इसके अलावा पैरासाइट दो प्रकार के होते हैं, एक पैरासाइट होता है इक्टो पैरासाइट और दूसरा होता है इंडो पैरासाइट। अब थोड़ा सा इसको समझ जाओ, ये इक्टो और इंडो कोई कॉम्प्लेक्स शब्द नहीं है, बस सिंपल शब्द है। जिस तरह से आपने समझा था केमिस्ट्री में एक्सोथर्मिक और एक पढ़ा था इंडोथर्मिक। एक्सो मतलब क्या होता है, आउट, और इंडो मतलब क्या होता है, इन। तो यही बात है कि एक्टो पैरासाइट मतलब जिसके शरीर के बाहर में क्या हो, पैरासाइट हो, शरीर के अंदर में नहीं हो। एक्टो मतलब आउट, जिसके बॉडी में कोई पैरासाइट हो, बॉडी के बाहर पैरासाइट हो और बाहर से क्या करता हो, वो अपना भोजन पानी ले लेता हो, वह एक्टो पैरासाइट लाएगा। और जो पैरासाइट क्या उसके बॉडी के अंदर हो, बॉडी के अंदर से ही क्या करता हो, वह भोजन पानी प्राप्त करता हो, वह इंडो पैरासाइट कहलाएगा। तो मैंने इसका डिफिनेशन लिखा दिया है एक्टो पैरासाइट का, कि द पैरासाइट विच लिव ऑन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, कि जो होस्ट के बॉडी के बाहर में हो, टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन, और वहीं से वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता हो, इज कॉल्ड एक्टो पैरासाइट या एक्सटर्नल पैरासाइट। वह क्या कहलाता है आपको, एक्टो पैरासाइट या एक्सटर्नल पैरासाइट कहलाता है। इसके जैसे अंदर जैसे एग्जाम्पल होगा लीच। आप लोग देखे होगे लीच को, जिसको जोंक कहते हैं। अब देखो ये बाहर में मान लीजिए, जैसे आप तालाब में जाओगे, तालाब में या नदी में जाओगे स्नान करने के लिए, तो आपको इस तरह से वो पकड़ लेगा, छोड़ेगा ही नहीं, खून चूसता रहेगा ये, या इस पर थोड़ा सा चूना लगा दोगे तो छोड़ देगा ये। तो यह क्या है, एक्टो पैरासाइट है। दूसरा जैसे देखिए आप, जैसे मॉस्किटो है, मच्छर है, यह भी क्या है, एक एक्टो पैरासाइट है, क्योंकि बाहर से आते हैं और ये खून चूस के अपना पेट भर लेते हैं आपको। इसके अलावा देखते हो टिक। अब ये टिक देखे हो आप लोगों में से कोई, हेलो हेलो, क्या आप लोग सुन रहे हो, आपने टिक देखा इस तरह से, इसको अठगोरबा कहते हैं। हाँ देखे होंगे, यह इसको टिक कहते हैं। यह भी क्या करता है, यह इक्टो पैरासाइट है, माइक बंद कर लीजिए। यह इक्टो पैरासाइट है जो क्या करेगा, आपको बाहर आपके इस तरह से मान लीजिए बाल के नीचे इस तरह से आ जाएंगे या और भी दूसरे रीजन में चले जाते हैं, और वहां पर जाकर क्या होते हैं, आपके शरीर से खून चूसते रहते हैं। इसके अलावा लीच, लीच देखो जिसको जू कहते हैं,
अब देखिए आपके बालों में इस तरह से दिख रहा है आपको, ये क्या करता है, ये सब इक्टो पैरासाइट है। आपके बॉडी के बाहर से क्या होगा, आपके बॉडी से खून चूसेगा और अपना भोजन पानी प्राप्त करेगा। तो ये सब के सब क्या हो गए, इक्टो पैरासाइट, मतलब शरीर के बाहर से ही क्या करेंगे, वो अपना भोजन पानी ग्रहण करेंगे। चलो नेक्स्ट है इंडो पैरासाइट। यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे होगा इंडो, कॉपी पेस्ट के चक्कर में मिस्टेक हो जाता है, इंडो पैरासाइट। अब ये क्या होता है, द पैरासाइट विच लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, जो क्या होस्ट के बॉडी में हो, टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन और वहीं से अपना भोजन प्राप्त करता हो, इज कॉल्ड इंडो पैरासाइट या और इंटरनल पैरासाइट। जैसे देखो आप, जैसे ये राउंड वर्म है जो आपके क्या होते हैं स्टमक में पाए जाते हैं आपको, इसके अलावा देखो एस्केरीज है, यह भी इसी की तरह होता है आपको, जो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं आपको, ये सब, यह सब क्या करते हैं, तो शरीर के अंदर पाए जाते हैं और वहीं से क्या करते हैं आपको, यह भोजन पानी ग्रहण करते हैं। तो यह क्या हो गया, इंडो पैरासाइट हो गया आपको। इसके अलावा एक होता है ना प्लास्मोडियम, है ना, जिसका मैंने यहाँ फिगर दर्शाया नहीं है, जो क्या होता है मच्छर के बॉडी में पाया जाता है। अगर वो प्लास्मोडियम क्या हो, मच्छर काटे अगर हमको और वो हमारे शरीर में अगर इंजेक्ट करे तो क्या हो, मलेरिया बीमारी हो जाता है आपको। तो यह भी क्या है, हमारे शरीर के अंदर प्लास्मोडियम वो इंजेक्ट कर देता है मलेरिया फैलाने वाले मच्छर, और इससे क्या होता है मलेरिया हो जाता है। इसके अलावा लेशमेनिया है, जिसको काला जर जिसके कारण से बीमारी होता है। तो यह भी क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जा करके वो क्या करता है, भोजन पानी डिराइव करता है। तो यह क्या कहलाता है आपको, लेशमेनिया कहलाता है, जो काला जर फैलाता है। तो ये सब के सब क्या है, इंडो पैरासाइट है। इंडो मतलब शरीर के अंदर जा करके। तो इस तरह से आपने समझा